ऑटोमोबाइल इंजिन्स, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक कूलिंग इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग एंड इंजन, यानी जो हमारा कूलर है अब उसकी क्या इफेक्ट हो रही है किसके ऊपर, तो के कूलिंग के ऊपर और इंजन के ऊपर। अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि जो कूलेंट है हमारे, ठीक है, वो कैसे बना हुआ है। तो वो अब आपको पता होगा कि इट्स मेड फ्रॉम इथाइल ग्लाइकॉल, इट्स मेड फ्रॉम इथाइल ग्लाइकॉल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इथाइल ग्लाइकॉल है, जो मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में भी, कि वो किस तरीके से, तो कि वो कहाँ पे, तो कि एक अपर टैंक होती है, उसके नीचे इस तरीके से रेडिएटर, यहाँ पे लोअर टैंक है, यहाँ से होस पाइप जाएगी इस तरीके से, ये होस पाइप इस तरीके से आएगी, यहाँ पे वाटर जैकेट्स है, ये थर्मोस्टेट आएगा, थर्मोस्टेट एक बाईपास लाइन है जो यहाँ से चला जाएगा, और एक क्या आएगा, वाटर पंप आएगा। अब हमको ये समझना है, आपको सभी पार्ट्स के बारे में कुछ पता चल गया है, ठीक है, लेकिन अब हमको ये समझना है कि ये जो कूलेंट है ये कितने टाइम तक रह सकता है इंजन में, यानी कि 5 साल, 10 साल, या फिर पर्टिकुलर किलोमीटर्स, या फिर वो जो कूलेंट है वो उसके कलर के हिसाब से रखा जाता है, यानी उसका कलर चेंज हो जाए तो उसको बदला जाएगा, उसको किस तरीके से डिनोमिनेट किया जाता है, किस तरीके से हम उसको रिप्लेस की तरफ उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात अब हमको समझना है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं, इफेक्ट्स, कूलिंग की क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंजन, यहां पे आप देख सकते हैं पिस्टन, ठीक है, अब ये क्या है, वाटर जैकेट, ठीक है। अब ये वाटर जैकेट जो है यहां पे कूलेंट पास हुआ होगा, ठीक है, ये कूलेंट क्या कर रहा है, तो कि जो सिलेंडर जो है उसकी हीट को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। कुछ कुछ जो हीट होती है उसको तो डायरेक्टली क्या करेगा, एटमोस्फेयर में रिलीज करेगा, और बाकी की हीट को क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा, और कहां आएगा, तो के रेडिएटर में, ठीक है। अब हमको ये समझना है यहाँ पे कि जो वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो जो हीट को उसने एब्सॉर्ब किया, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ अगर टी वन है तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, टी टू, या तो ऐसा कह सकते हैं कि टी आगे है बिगिनिंग, यानी ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ जाते क्या हो जाता है, टी प्लस एंड डी टी, बिकॉज ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, किस तरीके से ये जो फर्स्ट लेयर है, तो हम टी लिखते हैं, टी प्लस वन डी टी, टी प्लस टू डी टी, टी प्लस थ्री डी टी, देयर आर मल्टीपल्स ऑफ लास्ट टाइम, वन इज एट टी प्लस एंड डी टी, एंड डी टी दैट मीन्स डेरिवेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, टी प्लस एंड डी टी। अब हमको ये देखना है यहाँ पे, ये जो टेम्परेचर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, अब ज्यादातर टेम्परेचर इनटेक वाल से कंपेयर एग्जॉस्ट वाल पे क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, दैट मींस इनटेक वाल टेम्परेचर, इनटेक का जो टेम्परेचर उससे कहां पे ज्यादा रहेगा, एग्जॉस्ट, क्या ईटा हीट कहां पे, इंटेक जो है वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा उससे ज्यादा कहां पे रहेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट पे, बिकॉज एग्जॉस्ट जो है वहां पे कैसा, क्योंकि बर्न्ड गैसेस, बर्न्ड गैसेस कहां निकल रहे हैं, बाहर की तरफ, कहां पे, क्योंकि एटमोस्फेयर, वो एटमोस्फेयर में निकल रहे हैं। अब हमारे लिए समझना जरूरी है कि यहां जो कूलेंट है उसकी सबसे पहले तो कूलिंग, यानी क्या, ये जो कूलेंट यहां से जो हीट लेके जा रहा है, लेकिन अगर कूलिंग वाटर जो है कूलेंट ही बराबर नहीं होगा, तो वो यहां से उसको जितना परसेंटेज 35% ऑफ हीट उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो 35% उसको हीट एब्जॉर्ब करना है, उसमें से अगर
2 से 3% की हीट उसने कम एब्जॉर्ब की, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन जेल, ये जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज उसको जो 35% उसको हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, लेकिन वो हर मिनट पे सिर्फ 34 या 33% हीट ही एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका मतलब है कूलिंग एबिलिटी वो कम कर रहा है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट यानी कि इंटेक और एग्जॉस्ट और एंजिन ये पूरा का पूरा जो है उसका यूनिट का टेम्परेचर क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। अब ये जब उन यूनिट का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका मतलब है कि जो एंजिन का जो वर्किंग टाइम है, दैट मीन्स पहले जो 35% के हिसाब से उसको जो काम कर रहा है, क्योंकि 4 आवर्स जो कंटिन्यूस रनिंग अगर एंजिन हो सकता है तब क्या हो जाएगा, 3 आवर्स में तो वो ओवर हीट हो जाएगा, 3 आवर्स में क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। यहाँ क्या है, कूलेंट है, हा है, परफेक्ट है, कूलेंट लीक नहीं हो रहा है, कूलेंट है, लेकिन कूलेंट जो है उसकी क्वालिटी सही है, कूलेंट का जो पावर पॉइंट है वो बिगड़ गया है, कूलेंट जो है उसका क्लाउड पॉइंट बिगड़ गया है, जिसकी वजह से वो जो कूलेंट है वो सही से हीट क्या नहीं कर पा रहा है, अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, और जितनी वो हीट अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से उसका जो हीट कूलिंग रेट है वो कूलिंग रेट क्या हो गया है, बिगड़ गया है। ठीक है, अब हमको याद ये समझना है यहाँ पे कि ये जो एंजिन है, ठीक है, अब एंजिन के अंदर क्या है यहाँ पे कि जैसे भी कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए बढ़ रहा है, कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहा है, यहाँ से कूलेंट आगे जा रहा है, लेकिन ये जो वॉल है यहाँ पे ये क्या करता है, इरोजन करता है, या तो कॉरोजन करता है। आपको सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इसको समझना बहुत जरूरी है, इरोजन और कॉरोजन, शायद आपको पता होगा इसके बारे में क्योंकि आपने पढ़ा होगा मटेरियल साइंस एंड मेटल, दोबारा बता देता हूँ, इरोजन किसको कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं कि इरोजन किसको कहते हैं और कॉरोजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इरोजन, इरोजन का मतलब ये है जिस तरीके से पाइप है, ये पाइप के अंदर जहां जहां पे ये लिक्विड पास हो रहा है, तो लिक्विड पास हो रहा है यहां पे जिस तरीके से यहाँ पे गड्ढे गिर गए ऐसे ऐसे छोटे छोटे छोटे, तो ये उसका इरोजन। ठीक है, वो मटेरियल दूरी हो गया वहां से, जिसको बोलते वो वहां से उतर जा, और अगर रस्टिंग क्या है यानी कॉरोजन काट यानी जंग लग गया, तो ये उसके ऊपर एक लेयर बनाता है, ये उसके ऊपर क्या करता है, लेयर बनाता है कि जो लेयर वहां पे रहेगा, जबकि इरोजन में क्या होगा वो उड़ जाएगा और धीरे धीरे वहां से खाली हो जाएगा, और हो सकता है वो पत्रा वहां से टूट भी जाए, तो कॉरोजन और इरोजन, इरोजन यानी क्या कि ये जो थिकनेस है ये थिकनेस धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है, तो उसको इरोजन कहते हैं, और कॉरोजन यानी क्या उसके ऊपर जंग लग रहा है, अगर जंग लग रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉरोजन। यानी ये दो चीज भी क्या है, कूलर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, कूलर के अंदर एंटी रस्ट एजेंट नहीं डाला, कौन सा नहीं डाला है, एंटी रस्ट एजेंट, अगर कूलर के अंदर एंटी रस्ट एजेंट नहीं डाला है तो ये प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, यानी कूलिंग और एंजिन के ऊपर इस तरीके से ये इफेक्ट कर सकता है। अब कूलिंग के ऊपर हम देखें तो सबसे पहली बात हमने देखा यहाँ पे कि 35% उसको एब्जॉर्ब करना है, लेकिन वो 35% एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, तो के वो 33% या 31% एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सबसे पहला पॉइंट था कि कूलेंट इज नॉट कूलेंट क्वालिटी, कूलेंट क्वालिटी इज नॉट गुड। दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर क्या है कि हम देखते हैं अनइवन कूलेंट या तो इनसफिशिएंट कूलेंट, क्या लिख रहे हैं हम, इनसफिशिएंट कूलेंट, यानी कि जो कूलेंट चाहिए हमको इतना कूलेंट है ही नहीं टैंक में। ठीक है, कूलेंट कम है, तो सबसे पहली बात है हमको जितना सोर्स चाहिए उतना सोर्स हमको नहीं मिलेगा, तो दैट्स मींस कूलिंग एबिलिटी जो है उतनी हमको प्रॉपर मिल पाएगी नहीं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो कूलेंट है वो क्या है, इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो सही से फ्लो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है वाटर पंप जो है वो वाटर पंप क्या करेगा कि मिस पंपिंग करेगा या तो लैग पंपिंग करेगा, जिसको हम बोलते हैं लैग पंपिंग। लैग पंपिंग का मतलब ये है कि कूलेंट आ रहा है लेकिन क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है पंपिंग में
उसमें कुछ ऐसा जोन होगा जहां पे वो एयर को पंप कर देगा, जिसकी वजह से वहां पर बॉबलिंग फॉर्म या तो बबल्स फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स होना शुरू हो जाएंगे, और बबल्स होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, शायद आपने थर्मोडायनामिक्स में ये पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं कैविटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं कैविटेशन। तो अब हमारा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कैविटेशन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। कैविटेशन क्या होती है, ये जो रेडिएटर फिन्स है ठीक है, जिसके अंदर रेडिएटर पाइप्स है ठीक है, कूलेंट पाइप, अब यहाँ से जैसे ये कूलेंट अंदर जाता है तो ये कूलेंट अंदर जाएगा और यहाँ पे अगर ये फॉर्मिंग होना शुरू हो गया यहाँ पे ठीक है, तो फॉर्मिंग होना शुरू हो गया तो अंदर की तरफ ये क्या होगा, ब्लास्ट होगा, जो बबल होगा वो, और ब्लास्ट होगा तो एक नई चीज ये है, यहाँ पे हमको कैविटेशन के बारे में समझना है कि ऐसी ये पाइप है ठीक है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये पानी के ये कूलेंट यहाँ है ठीक है, अब यहाँ पे बबल्स है, एक बबल यहाँ है, एक बबल यहाँ है, एक बबल यहाँ है और एक बबल यहाँ है। अब यहाँ है ये एक बात कि ये जो बबल है, अगर ये बबल यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा तो सबसे पहली बात ये है कि ये सरफेस है और यहाँ पे ये बबल है, तो यहाँ पे जैसे ब्लास्ट होगा कि ये इतने सेगमेंट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और जैसे ही इसने इतने सेगमेंट को यह हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इतने सेगमेंट को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरीके से जैसे कि ये डेंट बढ़ जाएगा, और डेंट बढ़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पे इरोजन होना शुरू हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं इरोजन, और ये जो गड्ढा गिरा इसको हम कहते हैं कैविटेशन। अगर ये बीच में फूट रहा है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आसपास जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक है, जिस तरीके से आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो उसको बचा लेंगे, और वहां पे ज्यादातर प्रॉब्लम रहेगी हमको ये टेंशन की ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि यहाँ क्या है कि ये जो वाटर पार्टिकल है ये हमारी लाइन है ठीक है, जिस तरीके से हमारे लिए पाइप है, अब क्या है यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स देखते हैं, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल, चौथा, पांच, इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल्स है ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल जो है उसका ये मोमेंटम दिखा हुआ है, सभी पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो पार्टिकल है जो इसके सरफेस के साथ कनेक्टेड है, वो जैसे ही ब्लास्ट होगा कि इस सरफेस को क्या करेगा, डैमेज करेगा, जिस तरीके से दांतों में हमको कैविटेशन हो जाती है ना, वो क्या होता है जैसे हम वॉबलिंग करते हैं अंदर मुंह में या तो उल्ला करते हैं, उस दौरान अगर कोई छोटा सा कोई पार्टिकुलर मैटर है वो वहां पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होना लगता है, कैविटेशन होने लगती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वो बबल यहाँ पे उठता है, जिसकी वजह से वो जो सर्फेस है वो क्या हो जाती है, इस तरीके से ब्रेकआउट, यहाँ के जो पॉइंट्स है वो तो ब्रेकआउट होने के कोई चांसेस नहीं है ठीक है, जिसका मतलब है मिड में से जितना फ्लो होगा उतना ये अच्छा रहेगा, लेकिन ये कब, जब इनसफिशियंट कूलेंट हो जाएगा, या तो फिर उसके अंदर सैपोनिफिकेशन नंबर, उसका कौन सा नंबर, स्पॉनिफिकेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, वही उसका सैपोनिफिकेशन नंबर, अगर ये नंबर बिगड़ गया उसका, तो अगर सपोज कि ये नंबर बिगड़ जाता है उसका, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि वो अंदर क्या है कि फॉर्मिंग क्रिएट करना शुरू करता है, क्या क्रिएट करना शुरू करता है, फॉर्मिंग, और जैसे जैसे फॉर्मिंग क्रिएट करना शुरू होता है तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि जैसे फॉर्मिंग होता है तो वो फॉर्मिंग में छोटे छोटे बबल्स बनाना शुरू करता है, और जैसे ही छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू होता है तो वो अंदर के अंदर ब्लास्ट होना शुरू होता है, अगर वो वाटर पंप में ब्लास्ट हुआ तो भी प्रॉब्लम कर सकता है, थर्मोस्टेट के पास थर्मोस्टेट की जो स्प्रिंग है उसको डैमेज कर सकता है ठीक है। बाद में अगर वो कूलेंट रेडिएटर पाइप्स जो है वहां पे ब्लास्ट हुआ तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और तो और वाटर जैकेट्स में भी है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद और एक चीज जिसको हम कहते हैं टॉक्सिसिटी कंटेंट ठीक है, इसलिए इसके अंदर एंटी टॉक्सिक एजेंट डालना पड़ता है कूलेंट के अंदर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो कूलेंट है अब नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको वर्क करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो है कॉन्स्टेंट एक ही टेम्परेचर के ऊपर ओवर हीटिंग सिचुएशन पे इसको वर्क किया जा रहा है, तो ये इसके अंदर टॉक्सिसिटी कंटेंट बढ़ जाते हैं, और टॉक्सिसिटी कंटेंट की वजह से इसका जो कहीं से भी वो पास हो रहा है तो उसकी जो सर्फेस है उसको क्या कर देगा, वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, टॉक्सिक कंटेंट में, टॉक्सिक यानी जहरीला।
यानी कि जिसकी वजह से क्या होगा, जिस तरीके से आपको बताओ तो ब्रेक शू जो होते हैं हमारे, तो ब्रेक शू होते हैं जो हम निकालते हैं तो उसको कभी नाक से सूंघना नहीं चाहिए, कि ब्रेक शू अगर आप नाक से सूंघोगे तो आपको लंग्स का कैंसर होने के चांसेस है। जितना जिस तरीके से कोई दूसरी तरीके से भी आपको जो भी चांसेस होने के चांसेस होते हैं, जिस तरीके से लंग्स कैंसर, उसी तरीके से आपको फेफड़े का यानी लंग्स का कैंसर होने का चांसेस इस तरीके से ब्रेक शू जो होते हैं, इसलिए हम इसको ठपकाते हैं इस तरीके से टिकते हैं। कभी भी इस तरीके से इसको ब्लो नहीं करना चाहिए, ब्लो करेंगे तो अगर उसके पार्टिकल्स उड़ेंगे और हमारे नाक में गए तो उससे हमको कौन सा कैंसर, लंग्स कैंसर होने के भी चांसेस है। इसलिए ये हमको सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब इससे आगे आप देखते तो वो जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो कूलेंट है, अब कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये एक चीज हमको देखना है कि कूलेंट का कौन सा पॉइंट, तो क्या बॉइलिंग। अब कूलेंट जो है उसका एक पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के बीच के लिए वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर ये कूलेंट ये दोनों के बीच में वर्क नहीं करेगा तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कूलेंट है अगर वो उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका नीचा है, जिसकी वजह से क्या होगा 91 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होना शुरू हो जाए, और बॉयल होगा तो भी उसके अंदर बबल्स होना शुरू हो जाएंगे, और अगर बबल्स तो फिर से वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो। यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या, कि वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाए, तो वो कूलेंट अगर फ्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा कि वो जो कूलेंट है वो सही से आसानी से अंदर पास नहीं हो पाएगा, वाटर पंप जो है उसको भी ब्लॉक आउट कर देगा, जिसके लिए उसके अंदर एंटी फ्रीज हो जाएगा। उसके अंदर कौन सा एजेंट, एंटी फ्रीज एजेंट डालना होता है, ठीक है। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कूलेंट्स इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग एन इंजन, कि अगर थोड़ा भी कूलेंट के अंदर अगर इनसफिशिएंट हो गया है या तो कूलेंट क्वालिटी सही नहीं है तो तुरंत इंजन के इनके ऊपर इफेक्ट आएगा और इंजन क्या होने लगेगा, ओवरहीट होने लगेगा, और दूसरी बात है इंजन ओवरहीट होगा तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब क्या होने लगेंगे, एक्सपांड। जिस तरीके से अगर यहाँ पे कूलिंग सही से प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो पिस्टन रिंग क्या होगी, एक्सपांड होगी, पिस्टन रिंग एक्सपांड होगी तो पिस्टन कैन नॉट रेसिप्रोकेटेड इन टू द सिलेंडर इजीली, और जैसे वो सिलेंडर के अंदर सही से रेसिप्रोकेट नहीं हो पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टीक हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो जिसको बोलते हैं इंजन सीजिंग, यानी कि इंजन फेलियर, पूरा जो है पिस्टन वहाँ पे क्या हो गया, सीज हो गया, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं इंजन फेलियर, पूरा इंजन फेल हो गया, इसकी वजह से क्या, ड्यू टू ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग की वजह से क्या हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हमने वो ट्रेन की पटरी का बताया था उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, तो जिसके ऊपर आसपास ये रिंग्स है, ये रिंग्स जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रिंग जो थी वो हीट की वजह से एक्सपांड हुई और सिलेंडर के ऊपर क्या हुआ, चिपक गए, जिसकी वजह से अब पिस्टन कैन नॉट रेसिप्रोकेटेड इनटू द सिलेंडर और वो एक जगह पे क्लॉक हो गया, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं इंजन फेलियर की प्रॉब्लम। यानी कि अभी तक हमने हमारा जो चैप्टर है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ये हमारा है सॉरी हमारा कूलिंग का, जिसके अंदर हमने अभी तक जो भी देखा, जिसके अंदर हमने देख लिया सबसे पहले तो कूलिंग सिस्टम की जरूरत क्या है, उसको वर्किंग टेम्परेचर पे रखना है इंजन, ये उसकी जरूरत है। उसके बाद हमने देखा कूलेंट किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। बाद में कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम देखा हमने, बाद में हमने वाटर कूलिंग के बारे में स्टडी किया, यानी एयर कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, लाइट वेट्स जो व्हीकल होते हैं, ठीक है, लाइट लोडेड व्हीकल, उसके अंदर। बाद में वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया, वाटर कूलिंग सिस्टम का पूरा देखा, थोड़ा से पंप कूलिंग सिस्टम, ठीक है, वो सब के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने अभी जो लेक्चर लिया हमने वो था कूलेंट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग एंड इंजन। अब जो हमारा नया चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा हमारा लुब्रिकेटिंग के ऊपर, यानी कि इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। अब वो हमारा 7th नंबर का चैप्टर रहेगा, और उसके बाद का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग, जो आपका एक मॉडर्न सिस्टम इंजन है कि जिसके अंदर सुपर चार्जिंग, जिसकी वजह से इंजन क्या हो रहा है, सुपर चार्ज हो रहा है, और टर्बो चार्ज यानी उसको टर्बो मिल रहा है। आपने बहुत सारी ऐसी कार्स होगी जिसके पीछे लिखा हुआ देखा होगा सुपर चार्ज और टर्बो चार्ज या तो टर्बो इंजन, तो ये है क्या, उसके बारे में आपको उनको स्टडी करना है अब के जो भी आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर, यानी अब के जो आने वाले लेक्चर्स आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले,
ठीक है, यहाँ तक हम इस चैप्टर को रखते हैं, यानी कि हमारा चैप्टर यहाँ पे हम पूरा करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।